उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 वर्षों के बाद ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश भर के पुलिस अधिकारी, समाजशास्त्री और विशेषज्ञ जुटेंगे, जो पुलिस को मिल रहे संसाधनों और बेहतर तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन 28 नवंबर को गोमती नगर विस्तार स्थित डीजीपी मुख्यालय के अवनी प्रेक्षागृह में पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी करेंगी। 29 नवंबर को समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशिष्ट होंगे। अंतिम बार 1997 में हुआ था पुलिस साइंस कार्यक्रम समारोह। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले 29वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन नवंबर 1997 में लखनऊ में हुआ था। इस बार 6 विषयों को चुना गया है। कार्यक्रम के पहले दिन 28 नवंबर को पुलिस की चुनौतियों, फोरेंसिक साइंस और महिला व बच्चों की सुरक्षा के विषयों पर देश भर से आए पुलिस अधिकारी और विशेषज्ञ मंथन करेंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन कट्टरपंथ व आतंकवाद से निपटने पर होगी चर्चा। कार्यक्रम के दूसरे दिन सोशल मीडिया की भूमिका, पुलिस अधिकारियों के व्यवहार, प्रशिक्षण और CTNS विषयों पर विमर्श होगा। पुलिस अधिकारियों, शिक्षाविदों, फोरेंसिक विशेषज्ञों व अन्य बुद्धिजीवियों ने 50 से अधिक शोध पत्र भेजे हैं। BPR&D की विशेष समिति ने 18 शोध पत्रों को पुलिस साइंस कांग्रेस में प्रस्तुत किए जाने के लिए चुना है।